लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार अब तेज हो गया और इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने श्रीगंगानगर में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि नोटबंदी मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता थी और इससे देश के गरीब और मध्यम वर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पत्रकारों ने जब राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने का सवाल किया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शर्मा ने राहुल गांधी की पैरवी करते हुए कहा कि वे शालीन है, इसीलिए उन्होंने माफी मांगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सहारण और कांग्रेस के नेता राजीव अरोड़ा, विधायक राजकुमार गौड़ सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।